हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या खास टिप्स अपनानी चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि हर प्रेग्नेंट महिला को चिंता होती है कि उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन। आमतौर पर डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कराने की ही सलाह देते हैं, वही नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले दर्द की वजह से पिछले कुछ सालों से प्रेग्नेंट महिला सिजेरियन डिलीवरी का ऑप्शन ज़्यादा चुन रही हैं। इसके बावजूद नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन डिलीवरी से बेहतर माना जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपको कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम रहती हैं। इसलिए मैं भी आपको हमेशा ही नॉर्मल डिलीवरी की ही एडवाइस देती हूँ, और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में किस तरह अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 9वां महीना बाकी के सभी महीनों से बहुत अलग और बहुत नाजुक होता है। अब बस आपका बच्चा आपकी गोद में आने ही वाला है और आपका इतना लंबा इंतजार खत्म होने वाला होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है। तो ये डिलीवरी का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेबी का जन्म महिला के प्राइवेट पार्ट से नेचुरल तरीके से होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरीके की मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो तो प्रेग्नेंट महिला की नॉर्मल डिलीवरी बड़ी ही आसानी से हो सकती है। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को बढ़ाने वाले जो रीजंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला रीज़न है कि अगर प्रेग्नेंट महिला की पहली नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है तो फिर बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपकी दोबारा भी नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा रीज़न, अगर प्रेग्नेंट महिला को किसी तरीके की कोई भी शारीरिक बीमारी जैसे कि अस्थमा, हाई बीपी ये सब ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस सही होती है। तीसरा रीज़न, अगर प्रेग्नेंट महिला और गर्भ में शिशु का वजन नॉर्मल होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। चौथा रीज़न होता है कि अगर प्रेग्नेंट महिला प्रेगनेंसी के दौरान किसी सीरियस हेल्थ सिचुएशन से जूझ रही है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम होते हैं। पाँचवा रीज़न है कि अगर प्रेग्नेंट महिला के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल हो तो भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको कि देखकर आप इजीली पहचान सकें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस अच्छे हैं। आमतौर पर ये सिम्टम्स प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में डिलीवरी होने से 4 हफ्ते पहले ही नज़र आने लगते हैं। इन सभी में पहला सिम्टम है कि प्रेगनेंसी के 34वें सप्ताह से 36वें सप्ताह के बीच अगर बेबी का सर नीचे की तरफ आ जाए तो ये नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। दूसरा सिम्टम होता है कि इस समय आपके बेबी का सर प्रेग्नेंट महिला के प्राइवेट पार्ट पर प्रेशर डालने लगता है, जिससे कि क्या होता है, प्रेग्नेंट महिला को बार बार यूरिन आने लगता है। ये बेबी का नीचे आने का सिम्टम हो सकता है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तीसरा जो सिम्टम है वो है कि अगर बेबी के नीचे की ओर आने से प्रेग्नेंट महिला को चलने फिरने में परेशानी फील होने लगती है तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बड़ी ही आसानी से हो सकती है। चौथा सिम्टम है कि डिलीवरी का समय नज़दीक आने पर प्रेग्नेंट महिला के प्राइवेट पार्ट के आसपास की मसल्स ढीली पड़ने लगती हैं। इस कारण महिला को लूज मोशन की भी शिकायत हो जाती है। इसे नॉर्मल डिलीवरी का एक सिम्टम्स माना जा सकता है। अब इसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपको अपने 9वें महीने में अपनी डाइट पर खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे का जो विकास है पूरी तरीके से हो चुका होता है, उसका वेट इतना बढ़ चुका होता है कि इस समय बच्चे के वजन के कारण आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से आपको अपनी डाइट में पोषक तत्वों की मात्रा को अधिक रखना चाहिए। आपको सबसे पहली चीज़ जो कि अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए वो है हल्दी। हल्दी में पेन रिलीफ क्वालिटीज़ होती हैं और 9वें महीने में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगते हैं, जिससे आपको अनबियरेबल दर्द होता है। इसलिए अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। इस समय पेल्विक हिस्से में, कमर में और कूल्हे में हो रहे दर्द को कम करने में हल्दी आपकी हेल्प कर सकती है। इस समय रात को दूध में हल्दी मिलाकर पीना फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ है अदरक और लहसुन। 9वें महीने में प्रेग्नेंट महिलाओं को अदरक और लहसुन जरूर खाने चाहिए। अदरक को कूटकर इसकी चाय बना लें या फिर अदरक को पानी में डालकर उबाल लें और इस पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लें, उसके बाद आप पिए
वही रोज सुबह लहसुन की दो कलियां खाती रहे। इससे पेट इसे खाने से आपको काफी बीमारियों से रिलीफ मिलता है। इससे सर्विस को खुलने में आपकी हेल्प मिलती है। तीसरी चीज है अजवाइन के लड्डू। अजवाइन काफी गर्म होती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर को तैयार भी करती है। आप प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं बल्कि डिलीवरी के बाद भी ये लड्डू खा सकती हैं। इससे आपकी बॉडी को ताकत मिलती है। अजवाइन के लड्डू डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को हेल्दी रखते हैं। चौथी चीज है गुनगुना पानी। प्रेगनेंसी में खूब पानी पीना चाहिए और गुनगुना पानी और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे मांसपेशियों का तनाव दूर होता है। वही ठंडा पानी या ठंडे चीजें खाने से मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं या डिलीवरी के समय पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेहतर होता है कि आप गर्भावस्था में हल्की गर्म चीजें ही खाएं। पांचवी चीज है खजूर। सबसे पहले चूल्हे पर दूध को गर्म करने के लिए रखें और उसमें खजूर डाल दें। दूध उबलने पर इसे उतारकर कुछ देर के बाद आप इसे पी लें। आप चाहें तो गर्म दूध के साथ भी खजूर को खा सकती हैं। छठवीं चीज है दूध के साथ घी। कहते हैं कि नौवें महीने में दूध में घी डालकर पीने से आपका बच्चेदानी और यूट्रस चिकना हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफी हेल्प मिलती है। चूंकि दूध में घी डालकर पीने से वजन तेजी से बढ़ता है और अगर आप पहले से ही ओवरवेट है तो घी का सेवन आप कम करें। इसके अलावा आपको चीजों का ध्यान भी रखें। सबसे पहली चीज कि खुद को हाइड्रेट रखें। प्रेग्नेंट महिला को हमेशा खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए। इसके लिए खूब पानी या जूस पीना चाहिए। लेबर पेन के समय आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीती रहें। दूसरी बात है कि उठने बैठने की सही पोजीशन का आप ध्यान रखें। प्रेग्नेंट महिला के उठने बैठने से लेकर लेटने तक पोजीशन गर्भ में पल रहे शिशु पर असर डालती है, इसलिए उन्हें हमेशा अपनी बॉडी की सही पोजीशन में रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि बैठते समय उन्हें अपनी पीठ को ठीक तरीके से सहारा देकर बैठना चाहिए। तीसरी बात कि आप वजन को कंट्रोल में रखें। प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन प्रेग्नेंट महिला का वजन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए। ज़्यादा वजन होने से डिलीवरी के समय प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी बात कि एक्सरसाइज करती रहें। प्रेगनेंसी में नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेकर नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर कर लें। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह पर घर के रोजमर्रा के काम भी आप करती रहें। नेक्स्ट है कि आप स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहें। नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा रखने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वे चाहें तो ध्यान लगा सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, संगीत सुन सकती हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं। छठवीं बात है कि निगेटिव बातें ना सोचें। प्रेगनेंसी के दौरान निगेटिव बातों से दूर रहे। डिलीवरी से जुड़ी सुनी सुनाई निगेटिव बातों और किस्सों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। याद रखें कि हर महिला का अनुभव अलग अलग हो सकता है, इसलिए दूसरों के बुरे अनुभवों की वजह से अपने भीतर डर पैदा बिल्कुल ना करें। यह आपके और आपके होने वाले बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खुलकर जिएं और घर में रहकर स्वस्थ रहें। घर से बाहर जरूरी काम होने पर ही जाएं। कोरोना से बचें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें।